हेलो फ्रेंड्स, वृशांक प्रॉपर्टीज़ पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं उसकी लोकेशन है जूनागढ़ के पास में, जो हनुमानत्ता एरिया है। हनुमानत्ता में मासा की बाड़ी नाम से एक जगह है, वहाँ पे इस मकान की लोकेशन है। आप ये आसपास की लोकेशन देख रहे हैं ये, तो चलिए आप घर को अंदर से देखते हैं। ये बाहर एंट्री पॉइंट पे जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे बेसमेंट है, और लेफ्ट साइड में ये कार पार्किंग, उसके पीछे जो कमरे बने हैं वो रेंट पे देने के हिसाब से। और ये हॉल स्ट्रक्चर के ऊपर जो ये इसको कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का मकान कह सकते हैं, क्योंकि नीचे वो बेसमेंट है। तो अंदर एंटर करने पे ये सेंट्रल हॉल है जिससे अटैच्ड है ये लैट पाथ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगी हुई है इस पर। इसके बाद ये बेडरूम नंबर 1, ये देखिए। इसके बाद ये खूबसूरत वॉश बेसिन। इसी बेडरूम के साथ में एक और बेडरूम है, इसमें भी आपको वार्डरोब फर्निशिंग दी गई है, यानी नीचे के दोनों रूम्स में आपको वार्डरोब फर्निशिंग दी जा रही है। इसके बाद सेंट्रल हॉल में ही अटैच्ड है ये ओपन मॉड्यूलर किचन, जिसमें देखिए वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगी है। और एक ख़ास बात ये है कि टाइल्स है वो ऊपर छत तक लगी है, ये पहली बार मैंने किसी किचन में देखा है। और किचन में रेड और ग्रे वाइट का और ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद ये देखिए मंदिर का जो स्पेस है, और ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर आप अपने मेहमानों या रिश्तेदारों को बिठा सकते हैं। और ये गेस्ट रूम स्पेस के बाहर एक अटैच्ड बालकनी है, इसी बालकनी में आपको एक टॉयलेट भी मिल जाएगा। ये देखिए उस साइड में कॉर्नर पे जाने पे ये टॉयलेट है जी। ये आसपास की ओवरऑल लोकेलिटी है, हनुमानत्ता में ये लोकेटेड है, जैसा मैंने बताया हनुमानत्ता में मासा की बाड़ी। आइए अब गेस्ट रूम से वापस चलते हैं। सेंट्रल हॉल में गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम सेंट्रल से अटैच है, यहाँ मंदिर, किचन, दो बेडरूम और लेट बाथ। और यहाँ से हम वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब हम ऊपर वाले फ्लोर में चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मार्बल की जो फिनिश दी गई है स्टेयर्स में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्बल फिनिश है, जो घर को ठंडा भी रखता है और दिखने में रॉयल फील कराता है। ये ऊपर एक और टॉयलेट है, यहाँ से ओपन स्पेस जो हॉल है इसमें एक और बेडरूम, बेडरूम नंबर 3। इस बेडरूम में आपको हाफ फर्निशिंग दी गई है और वॉल माउंटेड जो अलमारीज दी गई हैं 3, देखिए इस तरह का रूम है। यहाँ अभी कोई कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं और रेंट पे रह रहे हैं। ये वॉश बेसिन और पीछे का ये स्पेस है, इसमें आपको अगेन एक लेट बाथ। यहाँ से आगे जाने पर ये एक किचन, और किचन के आगे ये फ्रंट साइड में जो मकान की छत है, जो हमारा गेस्ट रूम था जो उसके जस्ट ऊपर का ये ओपन स्पेस है। देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं सोलर भी लगा हुआ है, ये सोलर आपको मकान के साथ ही दिया जाएगा, वो मकान की प्राइस में इंक्लूड है, यानी आपको बिजली के बढ़ते हुए बिल से आज़ादी मिल जाएगी। चलिए आए हैं तो सबसे ऊपर वाली छत पे भी जाकर देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर की छत पे हैं 4-4 वाटर टैंक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ वाटर सप्लाई की भी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, इस मकान से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।